हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल की संपूर्ण जानकारी देखेंगे, क्या उपयोग हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या सावधानियां हैं और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का उपयोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए करते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब कि पीरियड आने के पहले जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। इसका अगला उपयोग है कि महिलाओं के शरीर में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है तो उस वजह से पीरियड इरेगुलर होता है या पीरियड नहीं होते तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस कैप्सूल का उपयोग होता है। अगला जो उपयोग होता है, अगर किसी महिला में हार्मोन की कमी की वजह से बार बार गर्भपात होता है तो उस गर्भपात के खतरे को कम करने के लिए भी इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगला उपयोग है, जिन महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है तो इनफर्टिलिटी के सिम्टम को ट्रीट करने के लिए भी इस कैप्सूल का उपयोग होता है। अगला उपयोग है डाइसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी जिनमें पीरियड के बीच बीच में अगर भारी ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग है या रुक रुक कर ब्लीडिंग होती है तो इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगला उपयोग है, कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में भी इस कैप्सूल को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की, तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट सामने आते हैं, जैसे हेडेक है, एब्डोमिनल पेन है, डिजीनेस है, डिप्रेशन है, ब्रेस्ट में पेन है, वेजाइनल डिस्चार्ज है और जॉइंट में पेन है। ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा और भी साइड इफेक्ट्स दिए हुए हैं, मैंने यहाँ कुछ ही साइड इफेक्ट शो किए हैं। अब इस कैप्सूल के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें इस कैप्सूल को लेने से बचना है। जैसे अगर आपको एलर्जी है इसके किसी इंग्रेडिएंट से या इस कैप्सूल से तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इसके बाद अगर आपको अनडायग्नोस्ड एबनॉर्मल जेनाइटल ब्लीडिंग है तो इस कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। अगर ब्रेस्ट कैंसर है या मिसकैरेज हुआ है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं ताकि वो ये कैप्सूल ना लिखकर कोई और कैप्सूल आपको दे सके। एक्टिव डीप थ्रोम्बोसिस अगर है, एक्टिव आर्टरियल थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसीज है, हार्ट और ब्लड वेसल्स का कोई डिसऑर्डर्स है, लीवर की अगर डिसीज है, इसके बाद सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है तो इन सभी कंडीशन में इस कैप्सूल को नहीं लिया जाता। अब देखेंगे कि नेचुरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल किस तरह से काम करता है। तो इसका काम है कि ये एक नेचुरल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरह काम करता है। इस हार्मोन की हेल्प से प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, जिससे कि जो प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होता है उससे बचा जा सकता है। और ये जो हार्मोन है एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है उसको भी बढ़ाता है या जो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करके रखता है और एस्ट्रोजन को कम करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है। ये कैप्सूल अपने कई ब्रांड नेम से मिलता है, जैसे नेपोजेस्ट 200 है, प्रोजेस्टेलॉन है, फर्टिलिया है, प्रोज सेम, मिटजेस्ट और मेट्रोन 200। इसके अलावा ये एरिया और डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग ब्रांड नाम से मिल सकता है। इस कैप्सूल के कुछ वार्निंग्स हैं। ये जो कैप्सूल है ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रग है वो ब्रेस्ट मिल्क में पास होकर बच्चे तक पहुंच सकती है और बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, उन्हें जरूर बताएं अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। ये टेबलेट केवल और केवल डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अनुसार ही दी जाती है और केवल डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। बात करेंगे इसके ड्रग इंटरेक्शन की, मतलब ये कैप्सूल हमें किन किन दवाइयों के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है जिससे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी
बढ़ सकते हैं, जैसे कार्बामेज़ेपाइन है, कीटोकोनाजोल, इंसुलिन, फिनोबारबिटल, बेनेटोक्लेस, इडोक्साबैन, ये सारी ड्रग्स के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें ताकि मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये किसी और के भी काम आ सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।